तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप SGPGI हॉस्पिटल लखनऊ में आप इलाज कराना चाहते हैं तो आपको उसमें इलाज कराने के लिए किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड होता है उस जगह और क्या क्या करना है, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटा दबा लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए वो सबसे पहले आप तक हो। तो सबसे पहले विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप अगर SGPGI लखनऊ हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाते हैं तो आपको स्पेशली सबसे पहले तो सभी डॉक्यूमेंट, जैसे कि रेफर आप अगर कहीं से लेते हैं तो रेफर का कागजात ले लीजिएगा। उसके बाद आपको हॉस्पिटल में इलाज कराने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको RT-PCR चेकअप कराना होता है। RT-PCR का मतलब कि RT-PCR चेक कराना होता है आपको। उसके बाद कोरोना सर्टिफिकेट भी लेना होता है, जो आपने वैक्सीनेशन करवाया है उसका सर्टिफिकेट लेना होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप ले लेते हैं। उसके बाद आप जाते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको एक रिसेप्शन काउंटर मिलता है। रिसेप्शन काउंटर पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया है। आप ऊपर आई बटन पे लिंक देख रहे होंगे, लिंक पे टैप करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ओपीडी कैसे चेक करना है, सब मैंने उस वीडियो में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट की बात आती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, तो मैंने डिपार्टमेंट पे वीडियो बना दिया है कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी बीमारी का इलाज करना है, आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो हॉस्पिटल से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको RT-PCR टेस्ट करा के कोरोना का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आप जाएंगे रिसेप्शन काउंटर पे, तो वहां पे जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको आधार कार्ड और रेफर कार्ड, जो रेफर आप बनवा के लाते हैं किसी हॉस्पिटल से, वो रखना जरूरी है, क्योंकि वही जरूरत होता है वहां पे, इंपॉर्टेंट होता है उस चीज का, ठीक है। आप वहां पे जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको डॉक्टर से दिखाना होता है। दिखाने से पहले आप विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो RT-PCR टेस्ट कराते हैं वो 7 दिन के अंदर का होना चाहिए। 7 दिन से ऊपर का हो जाता है तो फिर से आपको वापस से टेस्ट करना होता है। इसलिए आप RT-PCR टेस्ट 7 दिन के अंदर का करा के वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा के आप डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहां फॉलो करके DM कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले वहां पे रिप्लाई मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो वाकई आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूले। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इलाज कराने में आसानी हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे हमेशा वीडियो मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।